हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ मेरा एक यार, काफी साल से मैं उनको पहचानता हूँ। वो लोक माध्यम में काम किया, डिजाइनर है और आजकल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि आतिथ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मगर आज मैं क्यों समीर से बात कर रहा हूं, इसका एक कारण है, एक ही कारण। कुछ हफ्तों पहले समीर कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया गया। आज वो स्वस्थ है, आज उनका एकदम स्वास्थ्य साधारण है, मगर जिस समय वो कोविड के मरीज थे उसका क्या अभिज्ञता हुआ था, किस तरह से उनको मालूम पड़ा कि उनका राष्ट्र राजधानी में यहाँ का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कितना खराब हो गया है और किस तरह से निजी अस्पतालों ने एक एक मरीज का खून चूस रहे हैं, उनसे किस तरह से पैसे के लालच के लिए किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, यही है आज का चर्चा का विषय। समीर, धन्यवाद आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपको समय दिया। आपको जब मालूम पड़ा कि आप कोविड पॉजिटिव है, आपका पूरा परिवार, आपका बीबी, बच्चे, पिता, माँ तो बहुत परेशान हो गए थे, मगर आपको कैसा मालूम पड़ा कि आप कोविड पॉजिटिव है? 17 मई संडे को मुझे हल्का सा बुखार था और गले में खराश की शिकायत थी और 18 तक ये बुखार थोड़ा सा बढ़ा और फिर मैंने और मेरी पत्नी क्योंकि एसेंशियल सर्व में काम करती हैं मीडिया में, तो हमने ये आपस में तय किया कि मेरा टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको ऑफिस जाना है और मान लीजिए मैं संक्रमित हूँ तो उनके ऑफिस में ये सूचना देना आवश्यक होगा। तो 19 मई यानी ट्यूसडे को मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, तो मैं वसंत कुंज फोर्टिस अस्पताल गया फोन करके। उन्होंने कहा कि 11 से 12 के बीच में आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी टेस्ट के लिए गए, ठीक 11 बजे वहां पहुंच गए, तो वो जो बद इंतजामी थी उसका हमको पहले ही देखने को मिल गया कि वहां पर सिर्फ एक इंसान था और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्पष्ट नहीं था उन लोगों को। कभी आधार मांगते थे, कभी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगते थे और टेस्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि 5100 रुपए का टेस्ट है ये। उन्होंने हमसे इंतजार करने के लिए कहा। मेरे लिए सबसे बड़ा अचंभा ये हुआ कि इंतजार करने के लिए कि कोई भी जगह फोर्टिस ने तय नहीं की थी। पार्किंग लॉट में खुले में बेंच के ऊपर धूप में 103 बुखार में मैंने वहां 2.5 घंटे किसी एक इंसान का इंतजार किया जो कि पीपीई किट में आएगा। और ये टेस्ट आप जैसा जानते हैं सिर्फ 30 सेकेंड का टेस्ट है, इसमें आपके नाक और मुंह से सैंपल लिया जाता है, इसमें सिर्फ 30 सेकेंड खर्च होते हैं। 2.5 घंटे 103 बुखार में मैं वहां बैठा रहा और मुझे ये देख के और भी दुख हुआ कि मेरे बगल में पूर्वोत्तर की एक बिल्कुल तरुण युवती थी जिसका कैंसर का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा था और उसी अस्पताल में दाखिला पाने के लिए उसको अपना कोविड टेस्ट कराना था। तो एक कैंसर पीड़ित पेशेंट भी मेरे साथ 2.5 घंटे उसी धूप में बैठी रही। और ये सब आपने अस्पताल को 5000 रुपए से ज्यादा देने के बावजूद भी ये हुआ? जी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग वहां 4-5 लोग बैठे थे सबने 5100 रुपए दिए और उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। खैर, ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सबसे कम कठिन जो मतलब पार्ट था मेरी जर्नी का। फिर 20 तारीख को ही जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे पॉजिटिव पाया गया और मुझे दिल्ली सरकार की ओर से जो DSO यानी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर का फोन आया कि भाई आप पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनको मैंने सच सच अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि मुझे और ना मुझे डायबिटीज है ना मुझे और कोई शिकायत है, हाँ मुझे थोड़ा सा उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन की 2-3 साल से शिकायत है जो कि बहुत कम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबके ज्ञान में ये बात आए। तो उनका ऐसा कहना था कि में इन लोग कहते हैं कोमोर्बिडिटीज। जी, उसमें से सिर्फ एक थी मेरे पास और मेरा बुखार कम नहीं हो, इसके अलावा मुझे और कोई लक्षण नहीं थे। तो DSO का यह कहना था कि ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए
मेरा भर्ती होना आवश्यक है, और उन्होंने ये कहा कि वो मेरे लिए एम्बुलेंस भेज देंगी और एलएनजेपी सरकारी अस्पताल में उन्होंने मेरे लिए जगह ढूंढ के रखी है। एलएनजेपी का मतलब है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। तो इस वक्त मीडिया के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में क्या स्थिति है इससे मैं अवगत था, और क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस थी खुद की, तो मैंने ये प्रयास किया कि क्यों ना मैं किसी निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराऊं। तो बृहस्पतिवार यानी 21 को मुझे डीएसओ ने कहा कि शाम 5 बजे तक अगर आप किसी निजी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए तो हमारी गाड़ी आपको एलएनजेपी ले जाएगी। तो मैं और मेरी पत्नी ने सुबह से निजी अस्पताल के चक्कर काटने शुरू किए। इसमें जो सबसे हमको पहले जो हमको कठिनाई आई वो ये थी कि किसी भी कम से कम दक्षिणी दिल्ली के किसी भी निजी अस्पताल का कोई फोन नंबर पर यह सूचना नहीं मिल रही थी कि वहां बेड है कि नहीं अव्वल, दूसरा वहां पर कोविड पॉजिटिव को कहाँ आना है, किससे मिलना है। तो फिर फाइनली हम अपनी कार में बैठ के गए मेरे ड्राइवर के साथ। करीब 2 बजे जब मैं सबसे पहले मैक्स साकेत पहुंचा, तो मैक्स साकेत में भटकने के बाद मेरी पत्नी पहले मैक्स साकेत के रिसेप्शन में गई, तो वहां से हमको कोविड ब्लॉक भेज दिया गया। उस कोविड ब्लॉक में वो जब गई तो उनको भगा दिया गया और कहा गया कि पेशेंट को अंदर भेजें। जब मैं अंदर गया तो मुझे 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। मैंने बोला कि भाई मैं 1.5 घंटे से रोड पर हूँ, कम से कम आप मेरे वाइटल अर्थात आप मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा बुखार जांच लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे इस वक्त कितना बुखार है और मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो कुछ संघर्ष के बाद उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर नापा जो कि 100/60 आया। उन्होंने बोला आपको लो बीपी है और आपका बुखार भी तेज है, आपको आईसीयू में भर्ती होने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने आईसीयू पैकेज के बारे में मुझे बताया जो कि 55,000 रुपये प्रतिदिन, और उन्होंने कहा आपको कम से कम 7 दिन रहने की आवश्यकता होगी। मैंने बोला मतलब कहना 7 लाख के आसपास, मतलब आप अगर 7 दिन हुई मैक्स साकेत अस्पताल में आपको जाना है और भर्ती करना है तो 3,85,000। हाँ जी बिल्कुल सही, लगभग 4 लाख आपका खर्च हो जाए। हाँ जी आप, तो मैंने बोला ठीक है। हाँ तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने कहा नहीं अभी इतना आसान नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा कि किसी वार्ड में या आईसीयू में जगह है कि नहीं। मैं 15 मिनट फिर भी वहां बैठा रहा और मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि जगह है कि नहीं। अंततः मेरे ऑलमोस्ट झगड़ा करने के बाद, बार बार पूछने के बाद, मुझे आधे घंटे बाद ये पता चला कि वहां पर कोई जगह नहीं है और उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। वहां से मैं सीधे अपोलो सरिता विहार गया, जहां पर हालत इससे भी खराब थी, क्योंकि अपोलो में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कोविड पेशेंट को किसी भी तरह से कोई डॉक्टर या नर्स देखे। जो कोविड के साथ आते हैं उन लोगों के लिए उन्होंने एक टेम्प्रोरी कक्ष बनाया हुआ है। वहां मेरी पत्नी गई तो वहां पे भी उनको 15 मिनट के बाद ये पता चला कि यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है। तब तक मेरे किसी परिचित ने गंगाराम अस्पताल में फोन किया, गंगाराम से मुझे खुद फोन आया उनके बिलिंग डिपार्टमेंट से, और उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह है, आप यहाँ आए, 5 लाख रुपये आपके खर्च होंगे, एक पैकेज है जिसमें से, अगर मुझे अभी ठीक से याद है तो उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपये कैश मिलाने को कहा, नगद राशि लाने को। मतलब आपका पास क्या कोई क्रेडिट कार्ड थे या डेबिट कार्ड थे? जी यहीं से ले लीजिए। बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल यही प्रस्ताव रखा कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिससे आकर मैं आपको जो भी आपको शुरू में रकम चाहिए मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी से अप्रूवल आने से पहले मैं दे सकता हूँ। लेकिन वो इस बात पे अड़े रहे कि नहीं आप कैश लेके आए। तो मैंने उनसे वापस ये सवाल पूछा कि किस एटीएम से 2 लाख रुपए कैश में इस वक्त लेके आऊंगा, दूसरा 3:30 बज रहे हैं, 103 ज्वर में मैं कोविड की स्थिति में किस बैंक से जाकर ये कैश ला सकता हूँ, आप मेरी मजबूरी समझे। उन्होंने कहा नहीं सर आपको कैश लेके आना होगा। इस बीच मुझे पता चला कि सिग्नस और नाम का अस्पताल जो कि एसडीए मार्केट में है आईआईटी गेट के सामने, जो कि नया नया कोविड हॉस्पिटल घोषित हुआ है, वहां पर शायद मुझे बेड मिल जाए। मैंने वहां फोन किया तो उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाएं। फिर जब मैं सिग्नस पहुंचा तो सिग्नस में इन लोगों ने मेरी पत्नी से कहा कि यहाँ पर 10 दिन इनको रहना होगा और 3,90,000
यानी 39,000 रुपये प्रतिदिन का पैकेज है, जिसके लिए मेरी पत्नी तैयार हो गई और उनसे कहा कि भाई 1,00,000 रुपए आप अभी एडवांस दे दीजिए, जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे दिया। इस वक्त तक मुझे और कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ बुखार था जो कि कम नहीं हो रहा था। और मेरी पत्नी मुझे वहां पर एक सिंगल रूम में छोड़ के वापस घर गई और मैं वहां पर एक रात रहा। मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी। इलाज के नाम पे उन लोगों ने मेरे मतलब कुछ टेस्ट करने शुरू कर दिए, जैसे कि खून की जांच और ये सब चीजें। उसके बाद एक आश्चर्य घटना हुई, ये है अस्पताल में आग लग गया। ठीक जी जी जी, मैं परंजय उसी घटना के बारे में आपको बताता हूं कि अगले दिन अर्थात 22 मई को शुक्रवार के दिन सुबह मुझे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हुई जो कि बढ़ती गई। तो अस्पताल ने मुझे पहले ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन भी जैसा आपको ज्ञात होगा उसको देने की एक दर होती है, जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 14 लीटर तक जाती है। तो उन्होंने पहले मुझे 2 लीटर दी, उससे मेरा काम नहीं चला, फिर मुझे 4 लीटर दी, 6 लीटर दी। तो मैं अपने रूम में मुझे ऑक्सीजन मिल रही थी। लगभग 5 बजे जब मैं अपने कमरे में था तो मुझे बाहर मैंने देखा कि मेरे कमरे की सारी लाइट बंद हो गई, मेरे कमरे का एसी बंद हो गया, मेरा ऑक्सीजन की मशीन काम करना बंद हो गई और जो भी मॉनिटर मेरे साथ जोड़े जाते हैं मतलब रक्तचाप के लिए और हृदय की गति के लिए, वो सब बंद हो गए और जलने और धुएं की बदबू आने लगी। वार्ड बॉय दाखिल हुआ, उसने मुझे मेरा हाथ थामा और बोला कि आप चले। मैंने सिर्फ अपना फोन और अपना चार्जर हाथ में लिया और मैं नीचे भागा। जब मैं नीचे भागा तो वहां पर मैंने देखा कि अस्पताल में आग लगी हुई है और वहां पर सड़क के ऊपर मैं और एक और सीरियस मरीज थे वहां पे, हम दोनों लोगों को लगभग 10 मिनट बिना ऑक्सीजन के रहे हम। उसके बाद एक ही सिलेंडर से उन्होंने कोई जुगाड़ करके हम दोनों को ऑक्सीजन दी, लेकिन हम लोग 2.5 घंटा आउटर रिंग रोड के की फुटपाथ पर बैठे रहे। इस बीच मीडिया आई, लोग आए, फायर ब्रिगेड आई और हमको बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोगों को जल्दी ही दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। कौन से अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, कब शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। फिर बताइए में कहाँ जाना, कौन सा अस्पताल में इसके बाद आपको जाना पड़ा। फाइनली शाम को 7:30 बजे हमें ये पता चला कि हमको बत्रा अस्पताल लेके जाया जाएगा। बत्रा अस्पताल में जाने के लिए, क्योंकि मुझसे भी सीरियस एक पेशेंट थे, तो जो पहली एम्बुलेंस आई तो मैंने स्वतः कहा कि भाई इनको पहले ले जाए, क्योंकि उस एम्बुलेंस में सिर्फ एक आदमी के जाने की जगह थी और क्योंकि वो हृदय से के रोग से पीड़ित थे तो पहले वो गए। उसके बाद जो मरीज मुझसे स्वस्थ भी थे उन लोगों को भी मुझसे पहले भेज दिया गया, हालांकि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। रात में 9:30 बजे अर्थात आग लगने के 4.5 घंटे बाद मैं बत्रा अस्पताल पहुंचता हूँ। बत्रा अस्पताल पहुंचने के बाद, क्योंकि बत्रा अस्पताल बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी कोविड अस्पताल बना था, तो वहां पर भी वहां के लोगों को, वहां के नर्स और स्टाफ को इतना नहीं पता था कि कोविड मरीज को कैसे भर्ती करना है। तो वहां पर उनके इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन के साथ मैंने 2 घंटे इंतजार किया। अंततः 22 यानी शुक्रवार के दिन मुझे 5:30 बजे आग लगती है, 11:30 बजे मुझे वार्ड में भेजा गया। और मैं इस बात के लिए बत्रा हॉस्पिटल की तारीफ करना चाहूंगा कि रात को 11:30 बजे ही उन्होंने डॉक्टर मेघना, जो कि स्पेशलिस्ट थी, उनसे मेरी फोन पर बात कराई। वो अपने घर पे थी, उन्होंने मेरे लक्षण लिए और अपने जूनियर डॉक्टर को ये निर्देश दिए कि मेरा इलाज चालू कर दें। और फिर उसके बाद क्या, 7 दिन या 10 दिन के बाद आप बोला आपका आप बिल्कुल ठीक है, आपका स्थिति साधारण है, आप सुस्त हो गया जी, पर चाहिए। बस इसमें मैं 2 छोटी सी चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 7 दिन मैं आईसीयू में रहा, उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन जिस दिन मेरी छुट्टी हुई उस दिन डॉक्टर ने मेरी 12 बजे छुट्टी कर दी और बिलिंग डिपार्टमेंट बत्रा ने मुझे 5:30 बजे ये बताया शाम को कि मेरा टोटल बिल कुछ 4.5 लाख के आसपास बना। उन्होंने ये बताया कि करीब लगभग 3.16 के आसपास आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है, लेकिन जो पीपीई किट है जिसके मैंने 88,000 रुपये मुझे देने हैं
वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्योंकि किसी भी पॉलिसी में जिसको ये कंज्यूमेबल्स कहते हैं, आप जो कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये अस्पतालों का रिकॉर्ड में आता है कंज्यूमेबल आइटम्स। जी 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 बिल्कुल। इस तो आपका विमा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो मेडिक्लेम पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़िए। तो इसके लिए आपको अलग पैसा देना पड़ा। तो मैंने बोला कि मैं पैसा कैसे दूं, क्योंकि मेरा अपने घर वाले क्वारंटाइन में है, मेरे पिता का घर भी इस वक्त क्वारंटाइन में था, तो मेरा अपना प्रियजन कोई भी आके मेरा डिस्चार्ज नहीं करा सकता था। तो मैंने इनसे ये अनुरोध किया कि ये मुझे पैसा चेक के माध्यम से या किसी और तरीके से देने दें, पर बिलिंग ने कहा नहीं, आपको पैसा दे के जाना है। अंततः मैंने अपने एक दोस्त जो साकेत में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो आए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये एम्बुलेंस में घर जाएंगे, जो कि कोविड का कानून है, कायदा है कि पेशेंट एम्बुलेंस में ही घर जाएगा। मगर वो एम्बुलेंस नहीं दिया, उन्होंने एम्बुलेंस दिया उस बात के 5,000 रुपए भी लिए, और मेरे दोस्त ने उनसे ये कहा कि सेकंड फ्लोर डीडीए फ्लैट जहां पर कोई भी लिफ्ट नहीं है, इस पेशेंट को डॉक्टर ने चलने से भी मना किया हुआ है, तो आप इनको प्लीज ऊपर तक छोड़ के आइए। स्ट्रेचर जब एम्बुलेंस जी जब एम्बुलेंस आई तो उसमें सिर्फ दो ही लोग थे। तो मैंने पूछा कि भाई दो लोग, उन्होंने बोला नाइट शिफ्ट में दो ही लोग हैं, हम आपको छोड़ देंगे। जब मेरे घर पहुंचे तो उन्होंने मेरे ब्लॉक के नीचे मुझे उतार दिया और बोला कि यहां से हम आपको ऊपर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि स्ट्रेचर को ले जाने के लिए 4 लोग चाहिए और हमारी शिफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग। परंजॉय आपको विश्वास नहीं होगा कि एक कोविड पेशेंट जो कि 14 दिन अस्पताल रह के आया, 7 दिन मैं हाथ और पांव के बल 35 सीढ़ी चढ़ के अपने घर पहुंचा, जैसे छोटे बच्चे शिशु जाते हैं। और मुझे उस दिन मतलब लगा कि मानवता मर गई है। जो आपने बताया आपके बारे में, अपने बारे में, ये सुन के मैं बार बार एक चीज सोच रहा हूँ। आप, हम कहेंगे कि मध्य वर्ग है, या आपके पास लाखों रुपया है, आपका बैंक का खाता में, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप एक निजी अस्पताल में जाके लाखों रुपया देने के लिए तैयार है, ठीक है। आपको पीपी के लिए 55,000-58,000 रुपये मांग रहे। अगर आपका ये स्थिति होता तो एक आम आदमी जो आपकी तरह, आपके उनका जेब खाली है, वो आप समझ लीजिए अगर वो ऐसा मरीज होता, और वो तो निजी अस्पताल के बाद तो भूल ही जाइए, उसको सरकारी अस्पताल में, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने का, उनका क्या स्थिति होगा? आपने सोचा कि यू आर ए प्रिविलेज मेंबर ऑफ सोसाइटी, मगर जो आम आदमी है, जो गरीब लोग है, आज उनका क्या स्थिति है? और ये जो हो रहा है ये भारतवर्ष का राजधानी में हो रहा है और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है कि छोटा शहर कहीं या कोई गांव में ये स्थिति। परंजय मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और सब लोगों का कि मेरे पिताजी 82 वर्ष के हैं, उनका जन्म एक सरकारी अस्पताल में हुआ, मेरा खुद का जन्म एक सरकारी अस्पताल में हुआ, दिल्ली सफदरजंग। 19 वर्ष की अवस्था में मुझे अपेंडिक्स का अटैक हुआ, मेरा ऑपरेशन सफदरजंग अस्पताल में हुआ। मेरी माँ का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ एम्स में 1992 में, और मुझे अच्छे से याद है कि इन मतलब मुझे अपने जन्म का तो नहीं याद, लेकिन अपने 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 अपेंडिक्स का याद है, अपनी माता के ऑपरेशन का याद है। और स्वास्थ्य प्रणाली बिल्कुल ठीक थी, मेरा इलाज, मेरी माँ का इलाज बिल्कुल ठीक हुआ था। मेरे आसपास अगर कोई बीमार पड़ता था तो वो एम्स जाता था या सफदरजंग जाता था। ये स्थिति कि हमारा सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठ गया, ये 90 के दशक में मैं कहूँगा, और जब से इंश्योरेंस आई और प्राइवेट अस्पताल आए तब से मध्यम वर्ग ने वहां जाना शुरू किया। मेरा अपना बेटा बेटी जैसे कि प्राइवेट अस्पताल में उनका जन्म हुआ है, तब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सरकारी अस्पताल जा पाऊं। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? मगर समीर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जितने सारे निजी अस्पताल है, आपने बहुत सारे अस्पतालों का नाम किया, मैक्स, साकेत, अपोलो, गंगाराम, सिग्नस, बत्रा अस्पताल, सारे अस्पतालों का जमीन बहुत कम पैसे में मिला। सरकार इन लोगों को अस्पताल बनाने के लिए कम पैसे में जमीन दिया, और ये भी लिखा हुआ है, वो जो भी उनका जो एग्रीमेंट है, जो भी ठेका है, उसमें लिखा हुआ है कि आप मुफ्त में कुछ बेड्स रखिए जो गरीब लोग के लिए।
मगर सचमुच आज जो हम देख रहे हैं, जो निजी अस्पताल किस तरह से इस एक महामारी के समय में कितने लालची हो गए, तो I'm ashamed to say कि हमारे राजधानी में इस तरह से आप जैसे मरीज के साथ व्यवहार किया। और अगर आप जैसे मरीज के साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो साधारण जो आम आदमी है उनके बारे में तो आप भूल ही जाइए। परंतु मैं अपने आप को आम आदमी की श्रेणी में ही, अब चाहे हो सकता है कि रिसोर्सेस के मामले में मेरे पास एक आम भारतीय से थोड़े ज्यादा हो, लेकिन लेकिन सरकार से किसी भी तरह की गुहार लगाने में या किसी भी तरह की भागीदारी में मैं अपने आप को एक आम इंसान ही पाता हूँ आजकल, खासकर इस अनुभव के बाद। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। सिग्नस अस्पताल जहां मैं मात्र 1.5 दिन रहा, जहां आग लग गई, जहां मेरा पर्स गुम हो गया, मेरा कीमती सामान चला गया, मेरे चश्मे चले गए, मेरी उन लोगों ने मुझे 48,000 रुपए पीपीई किट का बिल चार्ज किया है 2 दिन के लिए मात्र सिग्नस ने। और सिग्नस में बात करने के बाद वहां किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है। हमें मालूम नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, मगर सरकार जो पीपीई किट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ये तो 1,000 रुपए के भी नहीं है, उससे भी काफी कम। जी जी बिल्कुल परंजॉय, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, किसी भी प्रणाली में जो मुनाफा कमाना चाहता है वो मुनाफाखोरी कर सकता है, वो करे या ना करे वो उसके चरित्र की बात है, लेकिन इस चरित्र पर अंकुश रखने का काम किसका है? अंततः सरकार का है। और हमारी सरकार बिल्कुल विफल रही है। जैसे पुलिस का काम है कि जो कानून को तोड़ता है उसको रोकना, न्यायालय का काम है कि जो कानून तोड़ता है उसको सजा, वैसे ही जो मुनाफाखोरी कर रहा है उस पे अंकुश के लिए सरकार के पास पर्याप्त एजेंसीज हैं, पर्याप्त इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम कर सकते हैं। और इसके मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण दूंगा। हमारी केंद्र सरकार ने आज से 1.5 साल पहले स्टेंट की कीमत और घुटनों में लगने वाले इम्प्लांट्स की का दाम तय किया था इसी सरकार ने। अब क्या ये सरकार, जो वैसे इतनी सशक्त है और इतनी जल्दी फैसले ले पाती है, इतनी लाचार है, या दिल्ली की राज्य सरकार इतनी लाचार है कि वो सरकारें जो कि ई ऑक्शन में टेंडर में पीपीई किट खरीद रही हैं, उनको ये नहीं मालूम कि पीपीई कितने की है, वो इसका दाम फिक्स नहीं कर सकते? खासकर इस तरह की राष्ट्र, मतलब जब ऐसी राष्ट्रीय आपदा आई है, मेरे ख्याल से सदी की सबसे बड़ी आपदा है हमारे राष्ट्र के ऊपर, तो सरकार क्यों विफल है, क्यों राज्य सरकार विफल है, क्यों निष्क्रिय है इतना छोटा सा फैसला लेने में? ये सवाल है, इसका कारण क्या है? जो कहते हैं पॉलिटिकल विल, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे। नहीं, और कोई कारण है कि सरकार के पास आज पैसा नहीं है, एक आर्थिक संकट के समय से जा रही है, कारण क्या है समीर? परंजय, वापस आने के बाद आप लोगों ने इस विषय पर मुझसे कहीं ज्यादा काम किया है, लेकिन मैं थोड़ा सी, मैंने अपने अपने स्तर पर थोड़ा सा शोध किया, तो मुझे खुद बड़ा धक्का लगा ये जान के कि एक आंकड़ा होता है कि पर 1,000 नागरिक कितने डॉक्टर हैं किसी भी देश में। हमारे देश में श्रीलंका, बोलिविया, डोमिनिकन रिपब्लिक और ईरान से भी कम डॉक्टर हैं पर 1,000। दूसरा आंकड़ा होता है कि पर 1,000 नागरिक कितने हॉस्पिटल बेड हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी, आप तो पूरा विश्व घूमे हैं परंजॉय, कि कजाकिस्तान, जमाइका, इंडोनेशिया और लाओ से भी कम अस्पताल के बेड हैं हमारे यहाँ। तो मेरा सवाल ये उठता है कि हम पूरी दुनिया में, हमारी सरकार और हमारा भी ये विमर्श है कि हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। दूसरा विमर्श ये है कि हम 21वीं सदी भारत की होने वाली है, 21वीं सदी में भारत शायद विश्व गुरु बन जाएगा। अगर हमारी सरकार अपने स्वास्थ्य आंकड़ों को देखती है, अब आप देखिए कि हम और आप दोनों दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं, साफ हवा के लिए हमको सरकार दे नहीं पा रही, उसके लिए हमने घर में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए, साफ जल ये सरकार दे नहीं पा रही है, उसके लिए हमने वाटर प्यूरिफायर लगाए हुए। हम और आप अपने बच्चों को सोच नहीं सकते कि
सरकारी कम से कम प्राइमरी शिक्षा के लिए भेजें। हमारे साथ अगर कोई ना कोई कानून की घटना हो जाए तो न्याय मिलने की भी उम्मीद हमको 20-25 साल लगेंगे। जिस जनतंत्र में हमको पानी नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, न्याय अगर मिल भी रहा है तो 20 साल बाद मिल रहा है, उस जनतंत्र का फायदा क्या है? उसमें हमारी और आपकी भागीदारी क्या रह जाती है? समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने बहुत सारे आंकड़ा हमें रह दिया, हमारा न्यूज क्लिक का दर्शक को भी मालूम पड़ा। हमारे जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसका भी बहुत कम एक छोटे सा हिस्सा हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। जो हमारे पड़ोसी जो देश है वो हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। आपने बांग्लादेश का बात नहीं किया, आपने नेपाल का बात नहीं किया। और हम, मेरा आखिरी सवाल है, पहला बात है कि हम लोग खुश है कि आपका स्वास्थ्य अभी सुधर गया है, आप साधारण हो गए और आपका एक तरह से आप यू आर प्रिविलेज्ड कि आप कोविड मरीज होने के बावजूद भी आज हमारे साथ इस तरह से आज बात कर पाते हैं। मेरा जो आखिरी सवाल है ये है, आप जो आज आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप क्या, उनको क्या सलाह देंगे? लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, क्या सतर्क होना चाहिए, जो आम आदमी और आम आदमी हर नागरिक को सतर्क होने के लिए आपका जो आखिरी जो संदेश है ये दीजिए। मेरा संदेश ये है कि अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण हैं, सबसे पहले तो आप उन लक्षणों पे जल्दी से जल्दी किसी भी लोकल डॉक्टर, स्थानीय डॉक्टर जो भी है आपका, उससे संपर्क करें, अपना इलाज खुद करने की कोशिश न करें। दूसरा कि अगर आपको टेस्ट कराने की सुविधा है तो आप टेस्ट कराएं, ताकि, और अगर आपका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को बताएं, क्योंकि शायद वही आपके लिए कोई सरकारी अस्पताल का इंतजाम कर पाए। खुद सरकारी अस्पताल जाने की बजाय आप कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, क्योंकि वो एम्बुलेंस भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर संभावना है कि आपको एक बेड मिले। आखिरी चीज जो मैं, इस कोविड से संबंध में नहीं है परंजॉय, पर मैं कहना चाहूंगा कि हम देश के नागरिकों को सिर्फ 5 साल में एक बार वोट नहीं डालना है, हमको ये भी तय करना है कि हमारे कर के पैसे से ये सरकार प्राथमिकताएं तय करे कि उस पैसे को कैसे खर्च करती है। क्या हम एक इस तरह का अविकसित देश, कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या हम वाकई अफोर्ड कर सकते हैं कि हम चंद्रयान भेजें या हम 20,000 करोड़ की एक नई राजधानी बनाएं? हमको, मुझे लगता है कि हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कैसे पैसा खर्च कर रही है, इसमें हमें भागीदारी होनी चाहिए। समीर, आपका समय आपने दिया, आपका अपना विज्ञता, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बारीकी से विस्तार से आपने बताया और लोगों को सतर्क कर दिया ये भी कि अगर किसी कानून के लिए अगर कोई निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा तो इस तरह से उसको, उनकी खून चूसने के लिए भी कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो एक मरीज को देख के, उनका स्थिति देख के, उनका जेब में जितना पैसा है वो निकालने का कोशिश में रहे, एक तरह से प्रॉफिटियरिंग करने का एक कोशिश। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।